अनिल शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी अनायरा करने लगी है अपने पिता से जिद। कहा उन्होंने कि कार्तिक आर्यन से वीडियो कॉल पर बात कराने की जिद करने लगी है अनायरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ किया। हाल ही में जो है कपिल शर्मा ने एक बात को लेकर खुलासा किया है। वो अपने परिवार में अक्सर जब बिजी रहते हैं और फैमिली टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं, इसी बीच में कपिल शर्मा ने बातों बातों में एक जिक्र करा अपनी बेटी अनायरा का। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी आजकल थोड़ी सी जिद्दी हो गई। आपको बता दें अनायरा जो है अब 3 साल की हो गई है और वक्त के साथ बड़े होते होते वो चुलबुलापन जो है बच्चे में नजर आ ही जाता है। इसी बीच में जो है अनायरा शर्मा की जिदों को लेके कपिल शर्मा ने खुलासा किया। बताया उन्होंने कि एक दिन जो है अनायरा टीवी पे कार्तिक आर्यन को नाचते हुए देख रही थी और देखते देखते उन्होंने बोला कि मुझे जो है कार्तिक आर्यन से वीडियो कॉल पर बात कराओ। इस चीज़ को लेकर उन्होंने जिद पकड़ ली और कॉल करने की डिमांड करने लगी, जिसको लेकर जो है कपिल शर्मा ने रात को जो है कार्तिक आर्यन से वीडियो कॉल पर बात कराई। इस बात को बताते हुए उन्होंने बताया कि मेरी बेटी कितनी ज़्यादा जिद्दी होती जा रही है और वक्त के साथ उसकी दुनिया जो है टीवी बन चुकी है। वो ये मानती है कि टीवी पे जो भी लोग दिखाई देते हैं वो एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को जान पहचान करने के कारण वो एक दूसरे से कभी भी बात कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को लेके मिल भी सकते हैं, जिस चीज़ के लिए वो टीवी की दुनिया को सच मानती है। और इसी के लिए उन्होंने कार्तिक आर्यन को रात को कॉल करने को भी बोला। कपिल शर्मा ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बीवी से एक शर्त भी रखी थी। उनकी बीवी ने कहा था कि वो जो है अपनी बेटी को खाना खिला के दिखाए। तभी कपिल शर्मा ने कहा था तुम बिना फोन किसको खाना खिला के दिखाओ तो मैं मानूं। दोनों के बीच में कंपटीशन लगा। कपिल शर्मा को अपनी बेटी को बिना फोन के खाना खिलाना था, मगर वो इस चीज़ में भी हार मान चुके हैं क्योंकि उनकी बेटी बिना फोन के खाना ही नहीं खाती। इन बातों को लेके वो जिक्र करती हैं कैसे जो उनकी बेटी अनायरा है वो वक्त के साथ बड़ी होती जा रही है और उसका चुलबुलापन देख के कपिल शर्मा को बहुत खुशी होती है, मगर उसकी ये दुनिया जो है जो टीवी के ऊपर बेस्ड है, जो फोन के ऊपर बेस्ड है, उसको लेके उन्हें थोड़ी सी फिक्र भी होती है। तो आपका अनायरा शर्मा के बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और आपको कपिल शर्मा शो का कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है उसका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख के बिल्कुल बताएं। धन्यवाद।